हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्टिंग करते हैं एक न्यू ब्लॉग। और मैं आ गई हूँ मार्केट। देखिए काफ़ी सुंदर सजी हुई है मार्केट। तो मुझे लेना था दिवाली का सारा सामान, तो मैं 2-3 दिन पहले ही आ गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर आगे आगे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है मार्केट में। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं सारा सामान यहाँ से लेने आई हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर लक्ष्मी गणेश और जो दिए हैं डेकोरेटेड वाले, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मतलब मिल रहे थे। बट मुझे तो जो जो लेना है मैं वही सब लूँगी। और यहाँ से मैंने ली है 2 लाइटिंग भी, जो मुझे पूजा वाले दिन के लिए चाहिए मंदिर के लिए। बाकी तो इसके डैडी लगवाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स क्या क्या लिया है मैंने सामान, बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे थे। और जो ये हैंगिंग वाले हैं, ये भी मैंने कुछ डिफरेंट तरीके के देखे हैं, मुझे अच्छे लगे। तो काफ़ी रश था मार्केट में अभी भी, मैं जबकि इवनिंग के टाइम पर गई हूँ और बहुत ज़्यादा रश हो रखा था। बट यही टाइम है कि सब लोग इतने अच्छे से ख़रीदारी करते हैं और इतना बड़ा त्यौहार है। उसके बाद आ गई हूँ मैं, मंदिर के कपड़े लेने थे मुझे उस वाली शॉप में। तो देखिए मैंने कौन सा कपड़ा लिया फिर। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो मैं आपको शो करती हूँ सारा सामान, पूरा बैग भर कर ले आई हूँ। देखते हैं क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे लक्ष्मी गणेश, डेकोरेटेड वाले तो मैं नहीं लेती हूँ, मगर ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कुछ चीनी मिट्टी टाइप के बने हुए हैं सिंपल से। और ये है दिया, मतलब एक बड़ा दिया गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, और बाकी 21 या 31 दिए जो भी हम मिनसते हैं वो हैं। और ये कुछ कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स लिए हैं मैंने रंगोली वगैरह के लिए और डेकोरेटिंग के लिए। और रंगोली मैं यहाँ पर ऐसी वाली ले आती हूँ, स्टिकर वाली। तो देखिए फ्रेंड्स क्या क्या लाई हूँ। और कैंडल के 2 बॉक्स हैं। और ये देखिए, ये दीपावली की जो बंदरवाड़ लगाते हैं ना, ये 2 मैं इसलिए लाई हूँ कि मेन डोर पर लगानी है नीचे मुझे बड़े वाले में। और 1 लाई हूँ मैं अपने ऊपर अपने फ्लोर के लिए। बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी मार्केट में, कोई सिरोस्की वाली, कोई वेलवेट वाली, तो मुझे यही वाली पसंद आई। मिरर लगे हैं इसमें, स्पार्कल लगे हैं, तो लाइटिंग वगैरह से ना काफ़ी सुंदर लगेगी। और उसके साथ साथ ये कुछ डेकोरेटिंग आइटम्स हैं, ये देखिए रिबन्स वगैरह होते हैं, वो लाई हूँ। 2 ही लिए हैं क्योंकि देखो अगर शिवाय इनको टिकने दे तो। और दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ फ्रेंड्स। ये है मेरे पास एक मिट्टी का मंदिर लाते हैं ना जो, वो लाई हूँ। इसे भी पूजा में रखा जाता है साथ के साथ। ये चौकड़ा बोलते हैं शायद, ये लाई हूँ। इसमें भी मिरर्स वगैरह लगे हैं, डेकोरेटेड था अच्छा। और देखो फ्रेंड्स काफ़ी सामान ले आई हूँ। ये लाइटिंग है मंदिर में लगाने के लिए। और ये बाई बीबी है जो मम्मी और उनकी फ़ोटो के लिए लाई हूँ, पितरों के लिए। चंदन की माला मिल रही थी तो अच्छी लगी मुझे, ये भी मैं दिवाली वाले दिन ही पहनाऊँगी उन्हें। और ये जो हैंगिंग वाले बता रही थी ना मैं आपसे, ये कुछ राउंड वाले अच्छे लग रहे थे। इसमें बेल्स लगी हुई हैं नीचे, तो बहुत सुंदर लगे। ये मल्टी कलर के पॉप्स लगे हैं, ये लेकर आई हूँ। और देखते हैं कैसे कैसे इनको डेकोरेट करूँगी। ये खील बताशे और लड्डू वगैरह जो रखे जाते हैं पूजा में, ये सब लाई थी। तो हो गया है मेरा बैग खाली, क्या क्या लाई हूँ सब आपको दिखा दिया मैंने। और हाँ, ये लाई हूँ लक्ष्मी गणेश के छोटे छोटे जरी वाले माला। और ये है मेरे फैब्रिक जो मैंने लिए हैं ना, मंदिर की चौकी पर लगाऊँगी दिवाली वाले दिन, और 1 लगाऊँगी मंदिर के अंदर। तो ये फैब्रिक मुझे मंदिर में बिछाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा महंगा मिलता है, मगर हाफ हाफ मीटर में ले आती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फैब्रिक। और वॉशेबल है इसका ना, प्रिंट जाता है ना कुछ, है जरी वाला फैब्रिक है ये, तो हर बार यही बिछाती हूँ। ये सब ले आई थी मैं, देखिए दिवाली की डेकोरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स देखो अब दिवाली वाले दिन कैसे कैसे इनको सबको ऑर्गेनाइज करती हूँ, लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे मेरा, नेक्स्ट डे यार में मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स क्लीनिंग मैंने स्टार्ट करी है सबसे पहले पूजा वाले कमरे से, क्योंकि पूजा का जो कमरा है उसे सबसे पहले साफ़ करना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, स्टार्टिंग से ही यही करती हूँ, क्योंकि मेरा राशनिंग का भी यहीं रखा रहता है सारा सामान। तो मेरा ये मतलब राशनिंग भी यहीं स्टोर करती हूँ और पूजा वाला कमरा भी है, इसलिए मैं फटाफट इसे साफ़ करूँगी आज। साथ के साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं बाहर। तो फ्रेंड्स आज तो एक ही रूम साफ़ हो पाएगा, तो देखिए किस तरीके से मैं आज इसको साफ़ करूँगी पूरा।
और पूरा ही काम बैठ जाता है सुबह का। मैं कर चुकी हूँ अपना सारा काम, इन लोगों को खाना वाना खिलाने के बाद दिन में मैंने स्टार्ट कर दिया था काम यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, कैसे करा कैसे नहीं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आप मेरी एक फैमिली हो छोटी सी। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करती हूँ, सारी दीवारें वगैरह भी मुझे साफ़ करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर पे जो अलमारी रखी है ना, इस पे शिवाय के कुछ टॉयज़ भी रखे हैं, यहाँ से मैंने कॉर्नर से करी है डस्टिंग स्टार्ट। ये इसके टॉयज़ वगैरह सब मैंने धुलने में डाल दिए थे, और ऊपर की जो सफाई है सारी मैं कर चुकी हूँ। झाड़ू से ही मैंने जो ऊपर का छत होता है उस पे भी जाले वगैरह सब निकाल दिए थे और क्लीन कर दिया था। कितनी ही सफाई कर लो बट ये पूजा वाले कमरे में ना थोड़ी सी जाले वाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग धूप बत्ती डेली जलती है दोनों टाइम। और यहाँ मम्मी की और दादा दादी की फ़ोटो भी मैंने क्लीन कर दी है, पूजा का ही कपड़ा है ये वाला। उसके बाद ये जो कंप्यूटर टेबल है इस पे मैं रखती हूँ अपना राशनिंग का सारा सामान स्टोर करके। उस पे यहाँ पे मैं डेटॉल डाल दूँगी। डेटॉल डालने के बाद मैंने सारा पहले टेबल को क्लीन किया, उसके बाद ये वाले बॉक्स तो जब भी राशनिंग वगैरह मैं ग्रॉसरी लाती हूँ तो साफ़ होते ही रहते हैं, ये तो साफ़ थे। और कपड़ा आप देख सकते हो कितना काला हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब कितनी भी क्लीनिंग कर लो यार घर की कम है। लेडीज़ तो ये अच्छे से जानती हैं कि कैसे काम करना पड़ता है सारा। और पूजा वाला कमरा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है मेरा, और मुझे ना एक्चुअली डस्ट से क्या है प्रॉब्लम है थोड़ी। मैंने अपनी कॉटन का जो दुपट्टा है ना उसको मुंह पे लपेट लिया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे डस्ट से ना बहुत जल्दी छींक और कोल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा मुंह बांधना ही बेटर रहेगा। तो देखो फिर धीरे धीरे करने लगी हूँ अपना काम सारा। एक कमरा ही फैलाया आज सिर्फ मैंने, क्योंकि दोनों तीनों कमरे एक साथ नहीं करूँगी, अकेले ही करना है मुझे सारा। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं मेरी, बट उनको भी अपना काम होता है इसलिए वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। और शिवाय गया हुआ था ट्यूशन तभी मैंने काम छेड़ा है, क्योंकि वो अगर होता ना तो अभी मेरा काम होने के बजाय ना यहाँ सारा फैल जाता। तो इस वजह से ही जब वो गया तब मैंने यहाँ पे सारा अपना काम शुरू किया। और बेडशीट वगैरह भी आज ही चेंज कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा कोई आता नहीं ना कोई सोता है। तो ये नई बेडशीट है मेरी ब्लू कलर की, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, फ्लावर्स वाली है, काफ़ी मल्टी मतलब कलर्स हैं इसमें, तो बहुत सुंदर लगी थी मुझे डार्क कलर में। और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी ऐसे। उसके बाद करते हैं मेरी वाली अलमारी की क्लीनिंग, ऊपर डब्बे वगैरह जो रखे हैं उनको क्लीन करके लगा दिया था मैंने। और अब आती है बारी, देखो इतना ज़्यादा फैलाव फैल जाता है ना घर में, बहुत ज़्यादा, बस धीरे धीरे करके लगी रहती हूँ। तो रिंकी दीदी भी यहाँ पे आ चुकी थी, उनसे मैं बोल रही थी बर्तन वगैरह करने को, तो वो भी देख रही थी, कह रही कि चलो अच्छा आपने सफाई कर दी, बढ़िया हो गया कमरा साफ एकदम। बस यही था फ्रेंड्स, देखो लगे रहो घर में, दिवाली आती है ना तो एक तरीके का दिवाला निकाल के जाती है। मैं तो मतलब इतना टायर्ड हो जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ करते करते, वही है सुबह से लेकर रात तक लगे रहो, उसके बाद भी सारा काम होता है, फिर खाना पीना। और ये देखो फ्रेंड्स कितना सारा कूड़ा एक ही कमरे से निकला है, कितनी भी सफाई कर लो ना घर में कुछ ना कुछ कूड़ा तो निकलता ही रहता है। और फिर ये है कि घर में बच्चा हो ना तो फिर भी वो भी वह फैलाता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो देखो अब इस वाले रूम की क्लीनिंग तो हो गई है मेरी, साथ ही आपको बाहर कपड़े भी दिख रहे होंगे, मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। तो इसी तरीके से निपटाती हूँ अपने काम धीरे धीरे करके। मतलब दिवाली के पहले एक हफ्ता पहले अहोई आती है ना, अहोई कल गई है तो आज मैं मतलब लग गई हूँ पूरा क्लीनिंग में, और मार्केट हो आई हूँ। ये देखो कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, बाकी ये बाहर डाल दिए मैंने कितने। तो अभी हो चुकी है मेरी क्लीनिंग और मैं जा रही हूँ अब नहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, और सारा आप लोग जानते ही पूरे घर की सफाई करो तो क्या हाल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं नहाकर आती हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है मेरा रूम पूजा वाला, और दीवारें भी हमने क्या है लास्ट ईयर ही वाइट वॉश करवाई थी, तो मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर दिया है।
बेड भी पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है, ये देखिए बेडशीट वगैरह लगा दी है, दीवारें बिल्कुल साफ हो गई हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग, और अब मैं अपना नहा धोकर आ चुकी हूँ और शाम भी काफ़ी हो चुकी है, तो अब चाय पी रही हूँ बस। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से क्लीनिंग करी, और अभी तो और भी बहुत ज़्यादा काम रह रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से देती रहूँगी आपको न्यू व्लॉग्स। और तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यही था, यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो का, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।